अभी पागल हो चुका है, देखा है ना गाय को, अभी रुकने, चलो चलो उधर, चलो चलो। ये देखें वो पहले वाले रस्से ने कितना जख्म कर दिया है गर्दन के ऊपर। 12 बनानी है हमें तेरा, फिर चल के जानवर के गले में डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल यार मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सका, उसकी वजह यह है कि मैंने मोबाइल को यार रिस्टोर किया था। मोबाइल मेरा Realme C2 है, उसकी मेमोरी इतना नहीं है। अच्छे वाला मोबाइल लेने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्दी ले लूँगा आप लोगों की सपोर्ट से, दुआओं से। अल्हम्दुलिल्लाह से व्लॉग को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सुबह सुबह का टाइम है, माशाल्लाह सूरज निकल रहा है, देखें खजूरों से जहर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो दोस्तों टोनी के गिल्ले में ये देखें एक नई चीज़ है, मैं आपको दिखा दूं। ये कल मैंने इसे एक ये देखें सजीरी पहनाई है गले में, है अभी टोनी शेर बन गया है, बस शक्ल कुत्ते की है लेकिन है शेर। टोनी ने अभी गले में क्या पहना हुआ है देखो, हैं ये तो अमीर बन गया टोनी अभी। हाँ अभी शेर बन गया टोनी। यहाँ पर हमारी भेड़ें आवाज़ करनी है, खाना तो डाला है इनको यार, खजूर नहीं डाला, खजूर डालेंगे फिर ये खामोश हो जाएंगी। यहाँ पे हमारे क्यूट क्यूट से छोटे से बकरियों के बच्चे मौजूद हैं, ये देखें तीन तो यहाँ मौजूद हैं यार, और किधर गया चौथा, वो खड़ा हुआ है। आ जाओ तुम भी इधर आ जाओ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये दूध पीते हैं, और ये तो अपनी माँ का दूध पी के आया है, काले वाला अभी काला देखें जा रहा है। ये दोनों ये दूध पिलाते हैं इनको हम पाउडर वाला, इसलिए ये हमारे पीछे पीछे भागते हैं माशाल्लाह। ये जो हमारी भेड़ें हैं ये खामोश नहीं होंगी जब तक इनको हम खजूर नहीं डालेंगे। तो मैं यहाँ खजूर उठाने के लिए आया हूँ, यहाँ से काटन उठा लेते हैं, खजूरों का काटन मैंने उठाया हुआ है, ये चल के भेड़ बकरी को डालते हैं फिर ये खामोश होगी। अंदर में जाओ, अंदर में जाओ। ये बच्चे को दूध पिला रहे हैं फीडर के साथ, इसकी माँ ने इसको दूध नहीं पिलाया था तो इसको अभी पाउडर वाला दूध पिलाना पड़ता है। दोस्तों ये गाय का तिल्हारा बना रहे हैं गाय का, क्योंकि हमारी गाय के जो रस्से हैं वो बिल्कुल टूट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। ये आपको बताते हैं बनाया कैसे जाता है, आप भी इस तरीके से फिर बना सकते हैं। इस तरह से आपको तीन पमेशें इस तरह से ले लेनी है, और इसके जो ये लड़ियाँ हैं यहाँ पे एक गांठ लगा देनी है, ये गांठ हो गई। अभी इसको यहाँ तक लेके आना है, ऐसे यहाँ पे रख के फिर एक लड़ी इसकी बहर में निकाल देनी है इस तरीके से, इतना तकरीबन 10 इंच। इसको यहाँ ये अंगूठे के ऊपर से लेके आना है इस तरीके से, और यहाँ छोटी उंगली के दरमियान में डाल देना है इसको, और ये जो लड़ी है लंबे वाली है इसको ऊपर से इस तरह से डालना है, और ये जो इधर से हमने निकाली थी इसको अंगूठे वाली जगह को ऊपर करके इस सुराख से लेके जाना है इसको। एक गांठ जो है हमारी वो लग चुकी है, अभी दूसरी गांठ इसकी लगाते हैं। फिर आपको एक फुट ले लेना है और यहाँ से पकड़ना है, ठीक हो गया। फिर यहाँ से एक निकाल देनी है, ये तकरीबन 7 इंच निकालने काफ़ी है, ठीक हो गया। अभी इसको दोबारा यहाँ से लेके आए ऐसे जैसे पहले की तरह, फिर छोटी उंगली के दरमियान में डालना है इसको, ऊपर से इस तरह डालना है, और ये जो है इसको दोबारा अंगूठे वाला इधर इस सुराख से लेके जाना है। इस तरीके से पूरे बना लेते हैं अपने जानवरों के लिए, तो उनको चल के पहनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें कैसे बन चुकी है अभी ये, इसको इसके बीच से निकालेंगे इस तरीके से, और ये गले के ऊपर से इस तरह से आएगी, ये देखें ये बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है जी।
इस तरीके की बना लेते हैं हम, 12 बनानी है हमें 13, फिर चल के जानवर के गले में डालेंगे। बस बस बस, पहन लो पहन लो, अच्छी चीज़ है। बस 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 बस, हो गया बस। ये देखें वो पहले वाले रस्से ने कितना ज़ख्म कर दिया गर्दन के ऊपर, ये देखें ज़ख्म, इसलिए इनकी ये बनाई है नई पहना रहे हैं, ये ज़ख्म इसको नहीं देंगी, इससे गए सही रहती है, तकलीफ़ नहीं होती इसको। ये पहले वाला जो रस्सा है इसको काट रहे हैं, खींच लो इसको अभी बाहर, उधर उधर से भी काटना पड़ेगा। अभी देखें अभी खूबसूरत हो गया, ये इसकी गर्दन को काटेगा नहीं, तकलीफ भी नहीं देगा। हाँ ये देखें अभी ये छूट गया है, वो उसको भगा रहा है अभी, नहीं करो, चलो उधर चलो, अपनी जगह पे चलो, चलो अपनी जगह पे चलो, आओ इधर आओ। ये कभी कभी लड़ पड़ते हैं आदमी के साथ। अभी पागल हो चुका है, देखा है ना गाय को, अभी रुकने, चलो चलो उधर, चलो 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 उधर चलो। फाइनली जो है सबको हमने तिल्हारा पहना दिया है यार, मुश्किल तो बहुत हुई है, अभी टाइम जो है 11 का हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह सबको पहना दिया। ये तो पुराना पहना हुआ है पहले से, ये नया पहना हुआ है, बाकी टोटल को नया पहना दिया है, इसको भी देखें। हमारे जो मुर्गी के बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से अभी मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है, रात को सर्दी थोड़ी कम पड़ती है, तो बच्चे माशाल्लाह देखें होशियार ऐसे भाग रहे हैं गोली की तरह। ये दोनों बच्चे बहर में अभी निकाल दिए हैं, जो 5 बच्चे थे अभी 2 बच्चे हैं इनमें से, बहर में इसलिए निकाले हैं बत्तख के साथ रहते रहते बत्तख इनके ऊपर पाँव रख देती थी, अभी बत्तखें जो हैं वो बड़ी हो गई हैं, इसलिए इनको अपने पाँव के नीचे दे देती थी, इसलिए ज़्यादा बीमार हो रहे थे वहाँ पर। अभी बत्तखों का तमाशा देखें, ये क्या बोल रही हैं पता नहीं, हाँ क्या मसला है, क्या हो गया है, क्या है। तो ठीक है दोस्तों, आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए व्लॉग में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।